हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड फिटनेस। मैं हूँ किरण। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसिडिटी के घरेलू इलाज के बारे में। क्या एसिडिटी के चलते भारीपन और पेट दर्द की शिकायत हो जाती है? तो आज मैं आपको ऐसी 10 चीज़ें बताऊंगी जिनके इस्तेमाल से आप बिना दवा के एसिडिटी की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, एसिडिटी एक बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम है जिससे अक्सर लोगों को दो चार होना पड़ता है। अगर आप तले हुए और चटपटा खाने के शौकीन हैं तो आपको भी ये प्रॉब्लम हो जाती होगी। एसिडिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे आप बिना दवा के घरेलू उपायों की मदद से दूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं वो 10 चीज़ें जिनके इस्तेमाल से आप बिना दवा के भी एसिडिटी की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर एक, अजवाइन। एसिडिटी हो जाने पर अजवाइन का उपाय बहुत कारगर है। 2 चम्मच अजवाइन को 1 कप पानी में अच्छी तरह उबाल लें। जब ये पानी आधा रह जाए तो गैस बंद कर दें। ठंडा होने पर छान कर पी लें। अगर आपको स्वाद अच्छा ना लगे तो आप इसमें 2 चुटकी नमक भी मिला सकते हैं। नंबर 2, जीरा। जीरा पेट दर्द, कब्ज और एसिडिटी के इलाज में काफ़ी कारगर है। जीरे को भूनकर काले नमक के साथ खाने से जल्दी आराम मिलता है। नंबर 3, प्याज। एसिडिटी को दूर करने के लिए प्याज के ताजे रस का सेवन करना चाहिए। नंबर 4, अदरक। अदरक का सेवन हर तरह से उपयोगी है। एसिडिटी होने पर अदरक के रस का सेवन करेंगे तो एसिडिटी की समस्या दूर हो जाएगी। नंबर 5, तुलसी। एसिडिटी होने पर या एसिडिटी से बचने के लिए तुलसी के पत्तों का सेवन करना फायदेमंद है। नंबर 6, सब्जियां। एसिडिटी के उपचार के लिए नींबू, गाजर, खीरा या अन्य सब्जियों का उपयोग किया जाता है। इनके सेवन से एसिडिटी को दूर किया जा सकता है। नंबर 7, पानी। एसिडिटी से बचने के लिए हमें भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। नंबर 9, रायता। रायता खाने से भी एसिडिटी से बचा जा सकता है। अमेरिका की एक रिपोर्ट के अनुसार दही में टमाटर, खीरा एवं धनिया डालकर खाने से एसिडिटी की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। नंबर 10, पुदीना। पुदीने की पत्तियां चबाने से एसिडिटी से बचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त पुदीने का रस भी एसिडिटी में लाभदायक है। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है एसिडिटी से बचने के 10 घरेलू उपाय जिन्हें फॉलो करके आप बिना दवा के एसिडिटी की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप अपनी इंग्लिश की वर्ड पावर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को विजिट करना ना भूलें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज की इंफॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना मत भूलना, और मेरे वीडियो को करना है ढेर सारा लाइक और शेयर, और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।